नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी घर के किस कोने में रखे भगवान, जानेंगे मंदिर से जुड़े जरूरी वास्तु नियम। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिरकार घर के किस कोने में मंदिर स्थापित करना शुभ होगा और भगवान का मुख किस दिशा में रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर के घर के किस कोने में स्थापित करना शुभ होगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी। मंदिर को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। भगवान को विराजमान करने के लिए घर का यह कोना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा करने वाले का मुख हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर बैठने के लिए पूर्व दिशा नहीं मिल पा रही है तो पश्चिम के तरफ मुँह करके बैठना भी शुभ रहेगा। मंदिर को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से मंदिर की ऊंचाई इतनी हो कि भगवान के पैर हमारे चेस्ट तक आने चाहिए। ईश्वर का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है, इसलिए मंदिर को जमीन पर अपने चरणों के बराबर रखना ठीक नहीं है। पूजा करने के बाद दीपक को मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए। दीपक को हमेशा घर के दक्षिण में रखना चाहिए, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आ सके। वास्तु के मुताबिक घर के भीतर रखा गया मंदिर लकड़ी से बना होना चाहिए, क्योंकि लकड़ी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। संगमरमर पत्थर से बना मंदिर रखना भी वास्तु के हिसाब से शुभ है। इससे भी घर में सुख शांति का आगमन होता है। मंदिर को कभी लेटने वाले कमरे में नहीं बनाना चाहिए। बिना साफ सफाई के भी लोग वहां घूमते रहते हैं, वास्तु के हिसाब से यह गलत है। मंदिर के रंग को हमेशा गुलाबी या फिर पीला रखना चाहिए। वास्तु के हिसाब से इसको शुभ माना जाता है। इनमें से सिर्फ एक ही रंग दीवार पर होना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।